देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्ध अति। भगवान के इस चरित्र को देख करके मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। देखो भगवान की लीला दो प्रकार की होती है, एक तो प्रबुद्ध लीला और एक विमुग्ध लीला। विमुग्ध लीला में भगवान अपने भक्तों को मोहित कर देते हैं और प्रबुद्ध लीला में भगवान अपने भक्तों को प्रबोध प्रदान कर देते हैं। ये भगवान की ऐसी विमुग्ध लीला है कि पार्वती जी भगवान की इस लीला का स्मरण करके भ्रमित हो जाते हैं। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु आप कृपा करके कथा श्रवण कराओ जिससे मेरा संदेह दूर हो। और तब कर अस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माए। हे भोलेनाथ आप संदेह मत करना, वो पहले जैसी मेरी मति अब नहीं है, मेरी रुचि है भगवान की कथा में और आप कृपा करके कथा सुनाओ। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावही अधिकारी आरत अधिकारी जहां पाऊं। अगर योग्य अधिकारी मिल जाता है तो श्रेष्ठ महापुरुष गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी नहीं छिपाते हैं और प्रकट कर देते। इतना कहते हुए पार्वती जी ने पूछा कि प्रथम सो कारण कहूं बिचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहले तो आप कृपा करके ये सुनाओ कि भगवान जो निर्गुण निराकार हैं वो सगुण साकार क्यों होते हैं और भगवान के अवतार का कारण क्या है। और भगवान ने जब अवतार लिया तो अवतार लेकर के भगवान ने कौन कौन से बाल चरित्र किए। बाल चरित्र पुनि कहो उदाहरण कहो जथा जानकी विवाही। भगवान की विवाह लीला का आप वर्णन करके सुनाओ। राज तजासो दूषण काही, किस कारण से भगवान ने राज्य का त्याग किया, ये सब चरित्र आप कृपा करके सुनाओ। श्री पार्वती जी ने जब इस प्रकार प्रश्न किया तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? बोले पार्वती जी का ये प्रश्न बनावटी नहीं था, सहज था। जैसे बहुत लोग कुछ जानना भी नहीं चाहते हैं और जानने की क्षमता भी नहीं है, लेकिन जिज्ञासु बनने की चेष्टा करते हैं कि हम भी जिज्ञासु हैं और जिज्ञासु बनकर के प्रश्न करते हैं। तो ऐसा कपटपूर्ण प्रश्न नहीं है, सहज प्रश्न है। कृष्ण उमा के सहज सुहाई, कृष्ण उमा के सहज सुहाई, चल विहीन सुन शिव मन भाई, चल विहीन सुन शिव मन भाई, हरि ही राम चरित सब आए, हरि ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, कृष्ण उमा के सहज सुहाई, कृष्ण उमा के सहज। पार्वती जी का प्रश्न अत्यंत सहज और कपट रहित है। जब सरल भाव से सहज ढंग से व्यक्ति भगवान की कथा सुनने की इच्छा करता है तो वक्ता के हृदय में स्वतः भगवान का चरित्र प्रकट होता है। और सुनने वाले के मन में अगर कपट है, बनावटीपन है, दिखावा है, प्रदर्शन है, तो वक्ता के हृदय में भी वो भाव नहीं आएगा, कथा का वो भाव प्रकट ही नहीं होगा। पार्वती के सहज प्रश्न को सुनकर के भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और परिणाम बोले हरे ही राम चरित सब आए, राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में सब प्रकट हो गया, आ गया।
हर ही राम चरित सब आए।